भारत माता की, भारत माता की। उत्तरा कन्नड़ा मत्तो, धारवाड़ सोदार सोदरियारिगे नन्ना नमस्कार। मैं श्री सिरसी मिरांकाबा श्री महाबालेश्वर स्वामी श्री वादिराजा तीर्थ और श्री सिद्धारूढ़ मठ को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। अच्छा, पहले आप लोग मुझे, मैं हिंदी बोलूंगा तो चलेगा ना? कोई इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता नहीं है ना? चलिए, आपके आशीर्वाद है। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये चुनाव सभा है कि विजय सभा है? आप लोगों ने वातावरण तो ऐसे ही बना दिया है जैसे कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी का अभूतपूर्व विजय आप लोगों ने तय कर लिया है। भाई और बहनों, जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तो शायद आज से 16 साल पहले इस धरती को प्रणाम करने के लिए आया था। आपके आशीर्वाद मांगने के लिए आया था। और तब से लेकर अब तक आपने मुझे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाया है। आपका प्यार इतना है, मैंने जब मांगा, जो मांगा, आप लोगों ने जी भर के दिया है। इस धूप में भी मैं देख रहा हूं सारे लोग वहां धूप में बैठे हैं। ये तपस्या छोटी नहीं है जी, इतनी बड़ी तादाद में धूप में लोग जो बैठे हैं, यहां धूप में खड़े हैं, जो लोग धूप में तप रहे हैं उन्हें मैं कहना चाहता हूं, आपको जो असुविधा हुई इसके लिए हमारी पार्टी की तरफ से मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन आप जो तप, इतने ताप में तप रहे हैं ना, आपकी इस तपस्या को मोदी बेकार नहीं जाने देगा। आप जो ये तपस्या कर रहे हैं, मैं विकास करके आपको अवश्य लौटाऊंगा। भाइयों और बहनों, आज मैं आप सभी से विकसित कर्नाटका के लिए, विकसित भारत के लिए आप सबका, पूरे कर्नाटका का आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और इतनी बड़ी मात्रा में जब माताएं बहने हो,
जब इतना उमंग और उत्साह हो, विजय का विश्वास हो, विकसित भारत का संकल्प हो, तो फिर मुझे पक्का भरोसा है आपके आशीर्वाद में कोई कमी नहीं रहेगी। और मैं देख रहा हूं कि आप उत्तर कन्नड़ा से मेरे बहुत पुराने साथी विश्वेश्वर हेगड़े जी और धारवाड़ से मेरे संसद के साथी, सरकार के साथी भाई प्रहलाद जोशी जी को रिकॉर्ड वोटर से जिताने का संकल्प ले चुके हैं। ये जो आपका जोश नजर आ रहा है, ये आपका जो उत्साह नजर आ रहा है, पूरा कर्नाटका एक ही स्वर से बोल रहा है। एक ही गुंज सुनाई दे रही है, फिर एक बार। साथियों, आपके आशीर्वाद ने ही 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी एनडीए की मजबूत सरकार देश में बनाई। हमने देश के विकास के साथ ही लोकल एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए भी पूरी ईमानदारी से काम किया। यहां उत्तर कन्नड़ा में घर, बिजली, पानी जैसी योजनाओं पर एनडीए सरकार ने बहुत काम किया है। हमारे मछुआरे भाई बहनों के लिए भी इतना बड़ा पॉट बन रहा है, बीजेपी के प्रयासों का नतीजा है। इस क्षेत्र को धारवाड़ आईआईटी मिला है, बड़ा आधुनिक रेलवे स्टेशन मिला है। बीजेपी सरकार विकास भी, विरासत भी इस मंत्र को लेकर चलती है। साथियों, जब मजबूत सरकार होती है, पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार होती है, तो दुनिया भी उस पर भरोसा करती है। आप मुझे बताइए, आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? चारों तरफ हिंदुस्तान की वाहवाही हो रही है कि नहीं हो रही है? अमेरिका में भी भारत का जय जयकार होता है कि नहीं होता है? यूरोप में भी भारत का गौरवगान होता है कि नहीं होता है? हिंदुस्तानी दुनिया में कहीं पर भी जाए तो माथा ऊंचा कर करके खड़ा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? सम्मान अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन ये कैसे हुआ? किसने किया? उधर से जवाब चाहिए, किसने किया? पीछे से जवाब चाहिए, किसने किया? आप लोग भाई, आप सबका जो जवाब है ना, ये पूरी तरह गलत है।
ये मोदी ने नहीं किया है, ये आपके एक वोट ने किया है, आपके वोट की ताकत, आपके वोट की क्या ताकत होती है ये 10 साल में हिंदुस्तान के हर मतदाता ने देखा है। और मोदी, आपके एक वोट, एक एक वोट का जो उसकी ताकत है, उस ताकत के भरोसे जब दुनिया के किसी भी नेता बड़े बड़े को मिलता हूं ना, 6 फीट वाले हो, 6.5 फीट वाले हो, हाँ, कितनी ही गोरी चमड़ी क्यों ना हो, जब मैं उनको मिलता हूं ना, मुझे देखना तो ऐसे पड़ता है, लेकिन जब मैं दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों को मिलता हूं तो मोदी अकेला नहीं मिलता है। 140 करोड़ देशवासी मेरे पीछे खड़े होते हैं, और तब जाकर के मैं सीना तान करके उनको हाथ मिलाता हूं, उनको भी लगता है यार कुछ तो है, लगता है कि नहीं लगता है। ये सब आपके एक वोट की ताकत है भाइयों। अयोध्या में साथियों, मेरे और आपके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने अयोध्या में प्रभु राम के लिए 500 साल तक लड़ाई लड़ी। 500 साल छोटा कालखंड नहीं है, लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। देश आजाद होने के दूसरे ही दिन प्रभु राम का मंदिर बनाने का निर्णय होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, दूसरे ही दिन ये काम होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। साथियों, ऐसा काम करने के लिए 56 इंच का सीना लगता है। तब जाकर के 500 साल का सपना, 500 साल का इंतजार समाप्त होता है, लेकिन ये तब होता है जब आपके वोट की ताकत मिलती है। आज अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बना है, आपको अच्छा लगता है ना, गर्व होता है ना, ये पुण्य का काम हुआ है कि नहीं हुआ है, ये पवित्र काम हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझे बताइए इस पुण्य के हकदार कौन है, इस पुण्य के हकदार कौन है, इसके पुण्य के हकदार आप है जिन्होंने एक वोट देकर के मजबूत सरकार बनाई है। और देखिए, देश में वोट बैंक की राजनीति
कितनी विकृति पर पहुंची है, कितनी विनाशक बन गई है कि 500 साल के संघर्ष के बाद देश के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद देश के कोटि कोटि जन, किसी ने 5 रुपया, किसी ने 11 रुपया, किसी ने 100 रुपया, किसी ने 1000 रुपया, किसी ने 1,00,000 रुपया, आप सबने दान देकर के प्रभु राम का मंदिर बनाया है। ये प्रभु राम का मंदिर सरकारी खजाने से नहीं बना है, ये प्रभु राम का मंदिर टैक्स पेयर के पैसों से नहीं बना है, ये हिंदुस्तान के राम भक्तों के जेब से निकले हुए पैसों से बना है, आपके पैसों से बना हुआ है। और जब अब आपको पता है देश आजाद होने के बाद इन्होंने राम मंदिर न बने इसके लिए सब कुछ कोशिश की, आखिरी दिन तक अदालत में भी गए और 2019 में भी यहां तक कह दिया कि ये केस अभी चलना नहीं चाहिए वरना मोदी को चुनाव में फायदा हो जाएगा, ऐसा कोर्ट में कहा। कांग्रेस पार्टी और उनके सारे चट्टे बट्टे राम मंदिर को रोकने के लिए 70 साल तक कोशिश करते रहे, उसके बावजूद भी ये राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं वो सब भूल करके, उनके सारे पापों को भूल करके, उनके सारे गुनाहों को भूल करके उनके घर गए, घर जाकर के सम्मानपूर्वक प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा में कार्यक्रम में आने के लिए निमंत्रण दिया। ये कितना बड़ा मन है, निमंत्रण दिया और इन्होंने क्या किया, प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को इन्होंने ठुकरा दिया। मेरे भाई बहनों, जिन्होंने रामलला का अपमान किया है, जिन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया है, देश ऐसे लोगों को ठुकराएगा कि नहीं ठुकराएगा? कर्नाटका ठुकराएगा कि नहीं ठुकराएगा? आप लोग ठुकराएंगे कि नहीं ठुकराएंगे? और दूसरी तरफ कमाल देखिए, एक तरफ वोट बैंक के भूखे लोगों ने राम मंदिर का इतना बड़ा अपमान कर दिया, तो दूसरी तरफ अयोध्या में एक अंसारी परिवार है, शायद इकबाल अंसारी, उनका पूरा परिवार दो दो तीन तीन पीढ़ी से राम मंदिर के खिलाफ अदालत में केस लड़ रहा था और उसका कहना था कि बाबरी मस्जिद है, यहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। तीन तीन पीढ़ी अदालत में लड़ती रही, लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया तो उन्होंने कहा अदालत का निर्णय मेरे सर आंखों पर है। इतना ही नहीं, वो जीवन भर, उनके पिताजी भी जीवन भर अदालत में लड़ते थे, लेकिन जब राम जन्मभूमि के ट्रस्टियों ने उनको भी निमंत्रण दिया, कांग्रेस और उसके चट्टे बट्टों ने तो निमंत्रण को ठुकरा दिया। लेकिन ये अंसारी परिवार देखिए, ये अंसारी मुसलमान होने के बावजूद भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में गए, पूरा समय बैठे, और इतना ही नहीं, उनका जो गनमैन था वो हिंदू था, तो उन्होंने गनमैन को एक लकड़ी की छोटा बना हुआ राम मंदिर की प्रतिकृति उसको भेंट में, सौगात में दी। ये फर्क होता है भाइयों बहनों, यह देश विकास भी चाहता है, विरासत भी चाहता है। और अब देखिए, बीजेपी सरकार ने ही आयुर्वेद को लेकर पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार किया है,
हमारी सरकार बनने के बाद हमने अलग आयुष मंत्रालय बनाया है। आपकी सिरसी सुपारी को जीआई टैग यानी उत्तर कन्नड़ा की पहचान बीजेपी ने ही दी है। हमारे कर्नाटका में मिलेट्स हमारे किसानों की बहुत बड़ा क्षेत्र है। कोई पूछता नहीं था, छोटे किसान परेशान थे कि मिलेट को करूं क्या। ये बीजेपी, मैंने यूएन को कहा ये सुपर फूड है, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली खेती है, और यूएन ने इंटरनेशनल मिलेट डे मनाया और आज मिलेट ईयर मनाया। और आज जिसको आप श्रीअन्न कहते हैं ना, जिसको आज हम पूरे देश में श्रीअन्न के रूप में जानते हैं, आज मिलेट की पूरे दुनिया में मांग बढ़ी है और उसका लाभ कर्नाटका के किसानों को मिल रहा है। साथियों, जब आपका अपने पर भरोसा हो ना, अपने देश पर भरोसा हो, अपने देश की हर बात पर भरोसा हो, तो दुनिया भी आपकी बातों पर भरोसा करती है। हमने मिलेट का इतना बड़ा अभियान चलाया, पिछले वर्ष मैं अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने मुझे अपने घर पे बुलाया था, बहुत बड़ा भोज रखा था, और देश का मैं शायद पहला प्रधानमंत्री था जिसके लिए इतना बड़ा समारोह किया गया था। पूरे अमेरिका के बड़े बड़े दिग्गज लोग वहां भोजन समारंभ में थे, और क्या मजा था उसका। हर एक के टेबल पर ये हमारा जो मिलेट्स है ना, उसकी चीजें बना करके परोसी गई थी। ये सुनते हैं तो आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? कन्नड़ा के खेत में पैदा हुआ मिलेट अमेरिका के व्हाइट हाउस में टेबल पर जब परोसा जाता है, कौन कन्नड़ा के गणवाक्ति होगा जिसको गर्व नहीं होगा? साथियों, बीजेपी सरकार इस क्षेत्र की फिशरमैन कम्युनिटी के विकास के लिए भी कमिटेड है। हमारी सरकार है जिसमें फिशरमैन के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया, आजादी के इतने साल के बाद पहली बार फिशरमैन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा बीजेपी ने दी, पहली बार 20,000 करोड़ की मत्स्य संपदा योजना बीजेपी ने बनाई। अब बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में फिशरमैन के लिए प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाने की घोषणा की है, और इसका भी बड़ा लाभ हमारे जो मछुआरे भाई बहन हैं उस पूरे समाज को मिलने वाला है। साथियों, बीजेपी के प्रयासों से अलग यहां की कांग्रेस की सरकार कर्नाटका को तबाह करने में जुटी है। कांग्रेस क्राइम को कंट्रोल करने के बजाय एंटी सोशल और एंटी नेशनल माइंडसेट को बढ़ावा दे रही है। हुबली में कुछ दिन पहले हमारी एक बेटी के साथ जो हुआ, उसे देखकर पूरा देश चिंतित है। हर मां बाप को कर्नाटका में अपनी बेटी की चिंता सता रही है। किसके कारण? कांग्रेस के पाप के कारण। क्या कभी कांग्रेस आपकी बेटी की रक्षा कर सकती है? क्या आप उनके भरोसे बेटियों को बड़ा बना सकते हैं? क्या कॉलेज कैंपस में दिन दहाड़े ऐसा कदम उठाने की हिम्मत उस अपराधी में आई कैसे? उन्हें पता है वोट बैंक के भूखे लोग कुछ दिन के बाद उनको बचा लेंगे, इसलिए ये पाप करने की हिम्मत आती है। भाइयों,
इस क्राइम ने कर्नाटका में हमारी बेटियों की सुरक्षा के संबंध में गंभीर सवाल खड़े किए हैं। खराब कानून व्यवस्था ये कांग्रेस सरकार की पहचान बन चुकी है। आपको पता है 2014 के पहले हमारे देश के अखबारों की हेडलाइन क्या हुआ करती थी? आज बेंगलुरु में बम धमाका हुआ, आज बेंगलुरु में बम धमाका हुआ, आज अयोध्या में बम धमाका हुआ, आज दिल्ली में बम धमाका हुआ, आज गांधीनगर में बम धमाका हुआ, आज सूरत में बम धमाका हुआ, आज मुंबई के अंदर ट्रेन में ब्लास्ट हो गया। ये खबरें आती थी कि नहीं आती थी? आती थी कि नहीं आती थी? 2014 के बाद ये खबरें खत्म हुई कि नहीं हुई? खत्म हुई कि नहीं हुई? देश के कोने कोने में बम धमाकों को रोक लगी कि नहीं लगी? लेकिन बंगलुरु में इनके आते ही बम फोड़ते हैं आकर के आतंकी। बंगलुरु हाईटेक सिटी, दुनिया में जिस बेंगलुरु का नाम, वहां पर एक काफे में बम फूटता है। भाइयों बहनों, और ये लोग बयान देते हैं क्या, गैस का सिलेंडर फटा है। अरे आपका दिमाग फटा है कि गैस का सिलेंडर फटा है? हो क्या गया इन लोगों को? और जब मामला एनआईए के पास गया तब जाकर के बंगाल में जाकर के उनको दबोच कर ले आए हैं भाइयों। और जिसके पीछे जिन लोगों का नाम है पीएफआई जैसे संगठन, जिसको प्रतिबंध लगा है वायनाड में, ऐसे पीएफआई के संगठनों की मदद ली जाती है तो फिर उनका तूफान और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कांग्रेस ने जिस प्रकार वोट के लिए पीएफआई जैसे संगठनों की मदद दी है, उनसे सहाय ली है, और ऐसे ही कारणों से ऐसे लोगों की ताकत बढ़ जाती है भाइयों। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकियों के मारे जाने पर आंसू बहाने का आपको याद होगा। दिल्ली में आतंकी घटना घटी थी, कांग्रेस की एक नेता आंसू बहा रही थी कि आतंकी क्यों मारा गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। साथियों, बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने पीएफआई की कोई भी ताकत को प्रतिबंध लगा दिया, उसके बड़े बड़े शहंशाह जेलों में सड़ रहे। दोस्तों, एक जमाना था, आए दिन पड़ोस में से आतंकी एक्सपोर्ट होते थे, हमारे देश के जवानों को मार करके भाग जाते थे, अब सर्जिकल स्ट्राइक होता है। और ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुस के मारेगा। साथियों, कल से एक कांग्रेस के साहजादे एक बयान से पूरे देश में हंगामा हो रहा है। साहजादे का कहना है कि हजारों वर्षों से राजा महाराजा हमारे देश में हुए, वे सब अत्याचारी थे, लूट लेते थे। क्या आप इनसे सहमत हैं? क्या इस भाषा से सहमत हैं? क्या क्या अपने पापों को छिपाने के लिए देश के राजा महाराजाओं को गाली गलौज करना उचित है? क्या ये शोभा देता है? क्या कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उसने भारतीय संस्कृति को नष्ट किया, भारत के इतिहास को सहित इतिहास नहीं रखा, उसको तोड़ा मरोड़ा है। कांग्रेस का मकसद यही था कि छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप ऐसे महान योद्धाओं का इतिहास अगली पीढ़ी को पता न चले। ये साहजादे बाहर राजा महाराजा को गाली देते, उसको मालूम नहीं है छत्रपति शिवाजी महाराज ने पानी में जो काम किया था उस जमाने में, पानी पर जो प्रबंधन किया था, आज भी बड़े बड़े इंजीनियरों के लिए ये बहुत बड़ा सीखने वाला काम है। आपको तो सिर्फ इतना ही समझ आता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज घोड़े पर बैठे। शिवाजी महाराज ने इतनी छोटी छोटी चीजों की चिंता की थी समाज की भलाई के लिए,
आप उनको गालियां दे रहे हो और उनके मुंह से किसी नवाब के लिए गाली सुनी भाई, किसी सुल्तान के लिए गाली सुनी क्या, किसी बादशाह के लिए गाली सुनी क्या? वोट बैंक, लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए और कितना पतन होगा, लोग पूछ रहे हैं। साथियों, इस क्षेत्र का भारत के इतिहास में बहुत ऊंचा स्थान है। यहां से कदम राजवंश ने लंबे समय तक शासन किया। कन्नड़ा भाषा की जो सेवा कदम राजवंश ने की है, क्या उसे कोई कन्नड़ी का भुला सकता है क्या? मैसूरू राजघराना वडियार राजवंश ने शिक्षा सहित हर सेक्टर में कितने ही काम किए हैं। अरे मैं गुजरात से आता हूं, मेरा गांव बड़ौदा गायकवाड़ स्टेट में हुआ करता था और बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिभा को देखा था। बाबा साहब अंबेडकर को बड़ौदा ले गए, बाबा साहब अंबेडकर को अपने पास रखा और बाबा साहब अंबेडकर को विदेश भेजने का पूरा प्रबंध महाराजा गायकवाड़ ने किया था और देश को बाबा साहब अंबेडकर मिले थे। लेकिन भाइयों बहनों, ये हमारे राजा महाराजों का योगदान, शहजादे को अत्याचारी लगता है? आप ऐसे लोगों को माफ कर सकते हो भाई? कर्नाटका सहित पूरा देश का इतिहास है जहां नवाबों ने, सुल्तानों ने, बादशाहों ने आम नागरिकों पर घोर जुल्म किया, अत्याचार किए हैं। ऐसे सुल्तानों ने हमारे मंदिरों को, हमारे तीर्थों को लूटा, उन्हें तबाह किया। लेकिन शाहजादे ने उनको तो क्लीन चिट दे दी और सभी राजाओं महाराजाओं को अत्याचारी घोषित कर दिया। देश को बांटने का कांग्रेस का प्रयास खतरनाक है साथियों, इनसे बचने की जरूरत है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, अब ये शाहजादे कह रहे हैं वो चुनाव के बाद अगर सत्ता में आए पूरे देश का एक्सरे करेंगे। एक्सरे आपका एक्सरे होगा, आपके लॉकर का एक्सरे होगा, आपके घर का एक्सरे होगा, आपके खेत का एक्सरे होगा और वो ढूंढ के निकालेंगे किसके पास क्या है। और फिर अगर ज्यादा है तो हड़प कर लेंगे और उनकी जो वोट बैंक है उनको बांट देंगे। हमारी माताओं बहनों के पास स्त्री धन एक बहुत सम्माननीय संपत्ति होती है। माताओं बहनों का मंगल सूत्र उससे पवित्र और कुछ मानते नहीं है। ये उस पर नजर बिठाए बैठे हैं कि ये तुम्हारे पास है, क्या जरूरत है, लाओ। क्या ये पाप हम करने देंगे क्या? ये उन्होंने ठान के रखा हुआ है भाई बहनों। और जब मैं ऐसी चीजें खोल करके रखता हूं तो उनको लगता है अरे पकड़े गए, मोदी तो मार रहा है। अरे मारेगा नहीं तो क्या करेगा, माफ करेगा क्या? देश को तबाह करने के ये आपके तरीकों को मैं देशवासियों को नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? और आपको पता होना चाहिए मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। परमात्मा ने मोदी को आपकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। और आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। ये मेरी गारंटी है आपको, मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल आपके बच्चों के भविष्य के नाम, मेरा पल पल आपके सपनों को साकार करने के नाम, मेरा पल पल देश के नाम।
देशवासियों के नाम। और इसलिए मैं आपको गारंटी देता हूं 24/7 और 2047 साथियों, कांग्रेस ने एक और खतरनाक इरादा कर्नाटक के लोगों को सावधान रहना है। आप जो बचत करते हैं ना, हर हमारे देश में हर मां बाप वो कुछ भी है घर में तो सोचता है कि भाई मेरे मरने के बाद बच्चों को तो ये मिलना चाहिए, मैं ये तो रखूंगा बच्चों को काम आएगा, एक घर कैसे भी करके बना दूं ताकि मरने के बाद बच्चों को दे सकूं। ये हर हिंदुस्तानी के मन में रहता है कि नहीं रहता है? गरीब से गरीब हिंदुस्तानी भी मरने के बाद बच्चों को कुछ देने का इरादा रखता है कि नहीं रखता है? अब ये शाहजादे ने, उनके गुरु ने अमेरिका से घोषणा की है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लाएंगे। इसका मतलब है कि आपने जो बचाया है वो मरने के बाद आपके संतानों को नहीं जाएगा। आधे से ज्यादा 55% ये कांग्रेस की जमात, उनकी सरकार हड़प कर लेगी। आपकी आधी प्रॉपर्टी गई, 4 कमरे का घर है तो 2 कमरे गए, 10 एकड़ का गए तो 5 एकड़ गया, आपके संतान को नहीं मिलेगा। और इसलिए देश चिंतित है, देश गुस्से में है और देश कह रहा है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने अपने 6 दशकों के शासन में ट्राइबल समाज को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए कभी अलग मंत्रालय नहीं बनाया। बीजेपी सरकार ने आदिवासी मंत्रालय भी बनाया और 10 सालों में बजट भी 5 गुना बढ़ाया। बीजेपी सरकार के प्रयासों से अब देश के ट्राइबल समाज का एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है। और अभी हमारे प्रहलाद जी वर्णन कर रहे थे, द्रौपदी मुर्मू जी पहली आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनी है, उसका भी वर्णन कर रहे थे। मैं कन्नड़ा थोड़ा थोड़ा समझ लेता हूं जी। भाइयों बहनों, मोदी का एक ही सपना है, मोदी का एक ही लक्ष्य है। मोदी के लिए अपना कुछ नहीं है, आप ही मेरा परिवार, मेरा भारत मेरा परिवार, मेरा भारत मेरा परिवार। लेकिन भाइयों बहनों, विकसित कनाडा के लिए, विकसित भारत के लिए 7 मई को उत्तर कनाडा और धारवाड़ के हर बूथ पर कमल खिलाना है। और कमल के निशान पर आप बटन दबाएंगे ना तो आप पक्का मान लेना आपको मोदी दिखाई देगा। आपके दिल में मोदी होगा, मन में मोदी होगा, और आप जब कमल पे बटन दबाएंगे ना, आपका वोट सीधा सीधा मोदी के पास जाएगा। और मोदी के लिए, मोदी को मजबूत बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे। कितनी ही गर्मी क्यों न हो के मतदान बढ़ेगा, 10 बजे के पहले सारा मतदान करा लोगे, शादी हो और काम हो, छुट्टी हो, कुछ भी हो, मतदान कराएंगे, पोलिंग बूथ को जीतेंगे
अच्छा मेरा एक काम करोगे, देखिए मेरी बात आई तो आप तो ठंडे हो गए, ये मेरा पर्सनल काम है, बताओ करोगे, जरा हाथ ऊपर ऊंचा करके बताओ करोगे, ये चुनाव वाला काम है, ये मेरा पर्सनल काम है, करोगे पक्का करोगे? तो एक काम करना, घर घर जाइएगा और जाकर के कहना कि मोदी जी सिरसी आए थे और मोदी जी ने आपको नमस्कार भेजा है। मेरा नमस्कार पहुंचा देंगे, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। जब हर परिवार को मेरा प्रणाम पहुंचेगा ना, जब मेरा नमस्कार पहुंचेगा ना, तो परिवार मुझे आशीर्वाद देगा। और वो आशीर्वाद ही मेरी ऊर्जा है, वो आशीर्वाद मेरी ताकत बढ़ा देगा और मुझे आपके लिए खप जाने की और नई प्रेरणा मिलेगी। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं, घर घर जाकर के मेरा प्रणाम जरूर पहुंचाइएगा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।